सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे सिट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीवी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए और कैसे रजिस्टर करना है आपको, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, उस सबके बारे में हम बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, बाद में आप कमेंट करते हो वही चीज़ मैंने वीडियो में बता रखी होती है, तो कमेंट का रिप्लाई करना वो वर्थ इट नहीं होता, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले यार, बच्चों को ये मन में डाउट है कि भाई वेबसाइट कौन सी है, यूपीटी पे तो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप UPTAC अगर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग एंड एडमिशन UPTAC, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर आपको मिलेगा, ये आपको पूरे का पूरा ध्यान से पढ़ लेना है, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर खुल के आ जाएगा कुछ ऐसा सा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा ब्रोक्योर देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फॉर बीटेक काउंसलिंग। ये कब तक फॉर्म ओपन रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 20 तारीख तक इस महीने की ओपन रहेगा। एक और चीज़ यार, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो भी होंगे वो आपके राउंड वन से पहले ही होंगे। उसके बाद पहले क्या हुआ करता था कि राउंड वन में नहीं करा, कोई बात नहीं, राउंड टू से पहले भी रजिस्ट्रेशन, राउंड थ्री से पहले भी रजिस्ट्रेशन, अब ऐसा नहीं होगा, आपके सिर्फ राउंड वन से पहले ही काउंसलिंग के लिए कराए जा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान से अभी के अभी 20 तारीख से पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और फिर आपको सिक्योरिटी पिन वगैरह ये जो नीचे कैप्चे है ये डाल के साइन इन कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मदर फादर इन सब की इन्फॉर्मेशन लेगा, वो सब की सेपरेट होगी, तो आप अपने हिसाब से वो भर देना, तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। ये सारे प्रोसेस के बाद आपका रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक आप ये सब कर लीजिए, ठीक है। फिर आपकी चॉइस फिलिंग की बात आएगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, और आने वाली वीडियोज़ में ये भी बता रहा हूँगा कि भाई ठीक है हमें चॉइस फिलिंग तो करनी है, लेकिन हमें कॉलेजेस कौन से लेने हैं, 600-700 कॉलेज आ रहे हैं आपके UPTU में, तो आप कौन से कॉलेज आपको लेने होंगे उसके बारे में बताऊंगा कि भाई ये 10 से 15 कॉलेज हैं आपके, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, अगली वीडियो उसी पर हमारी हो रही होगी। तो अभी मैं आपको ब्रोक्योर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपकी एडमिशन जो फर्स्ट ईयर के हैं, जैसे बीटेक या एमटेक में लेना है तो आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, वो उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में CUET का और बाकी जितने भी आपके कोर्सेज हैं उनका अलग अलग एग्ज़ाम यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि भाई कौन कौन से एग्ज़ाम से एडमिशन्स मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो आपके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई बीटेक और एमटेक में आपके 10+2 एग्जामिनेशन आपने दी होगी, मतलब 12th पास होनी चाहिए 45% मार्क्स से, और SC ST हैं तो आप 40% से भी आ सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन इसमें से कोई सा एक होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम एजेंसी देखें तो आपके JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा। नीचे ये आपके अलग अलग कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी दे रखी है, स्क्रीन पॉज करके आप ब्रोक्योर के अंदर जाके अपना इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं सारे कोर्सेज़ का, राइट। आगे अगर हम चले तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं कैसे परसेंटेज डिवाइड कर रखी है, तो अगर आप SC कैटेगरीज हैं यूपी के तो 21% रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ST कैटेगरीज हैं तो 2% और OBC से बिलोंग करते हैं तो 27% का आपका कोटा लग रहा होगा। तो कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट अभी तक आपने नहीं बनवाया तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखना आपका जो डोमिसाइल है वो आपने जहाँ से 12th करी होगी, जैसे यूपी से करिए तो यूपी का माना जाएगा, राइट। आगे अगर हम थोड़ी सी देखें तो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगते हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या चाहिए होगा, आपका हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट हार्ट लंग्स, ठीक है, ये सारी विजन हियरिंग ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे। मिनिमम 40% का क्राइटेरिया होगा यार, और मतलब विजुअल का, और आपकी जो लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है उसका भी मिनिमम 40% होना चाहिए, और स्पीच और हियरिंग सुनने और बोलने का भी आपका 40% का मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। जैसे ही आप यार इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे आ जाते हो, 15-16 पेज पर आ जाते हो, तो यहाँ पर आपको देखो सर्टिफिकेट मिल जाता है जनजाति वगैरह का, और भी आपको तरह तरह के सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग में अगर आप आ रहे हैं तो
या फिर जनजाति का सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश के मूल सामान्य निवासी के पुत्र, ये इस तरह के आपके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, इनके फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। चाहो तो आप ऐसे ही बनवा सकते हो सेम फॉर्मेट रख के, या फिर आप अलग से भी अपने कचहरी वगैरह में जाके क्रिएट करवा सकते हो, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं यार आपकी चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग जो आप करोगे वो बहुत ध्यान से करना। मान लो आपको कोई टॉप का कॉलेज, फिर उसके बाद जो कॉलेज आ रहा होगा नीचे, फिर और नीचे कॉलेज, तो अगर आपको बीच का कॉलेज मिला और कुछ कॉलेजेस ऊपर होंगे कुछ कॉलेजेस नीचे होंगे, तो राउंड वन में जो कॉलेज मिलेगा उसके ऊपर के जितने भी कॉलेज होंगे आने वाले राउंड्स में वो कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आप फ्लोट करोगे तो। लेकिन अगर आप नीचे के कॉलेज में अच्छा कॉलेज डाल दोगे तो अगर एक बार बीच का कॉलेज मिल गया और नीचे वाले जो होंगे वो नहीं मिल सकते। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना, एक ही बार आपका फॉर्म फिल होगा और शायद उसके बाद ज़्यादा रीएडिट के ऑप्शन ना मिले एक बार आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे की वीडियो में बताऊंगा यार कौन कौन से कॉलेजेस आप चूज़ कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम लाते रहते हैं। कोई भी वीडियो आएगा तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।